दिस इज लेसन नंबर 9 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन एंड द राइटर इज लाल बहादुर शास्त्री एज यूजुअल बिफोर रीडिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट्स ऑथर एंड अबाउट दिस एसे लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टेकिंग ओवर आफ्टर जवाहरलाल नेहरूज डिमाइज लाल बहादुर शास्त्री ने जवाहरलाल नेहरू की डिमाइज के बाद इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वर्क किया शास्त्री वॉज बॉर्न इन मुगल सराय इनका बर्थ मुगल सराय में हुआ हिज फादर शारदा प्रसाद श्रीवास्तव वॉज अ स्कूल टीचर शास्त्री जिस फादर डाइड वेन ही वॉज ओनली अ ईयर ओल्ड इनके फादर शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल टीचर थे और फादर की डेथ तब होगी जब वो एक साल के थे शास्त्री जी वॉज डीपली इम्प्रेस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी वो महात्मा गांधी से बहुत इम्प्रेस्ड थे ही बिकम अ नेशनल हीरो फॉलोइंग इंडियाज विक्ट्री इन द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 इंडो वॉर ऑफ 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में 1965 में हुए इस वॉर में इंडिया की विक्ट्री के लिए वो एक नेशनल हीरो बन गए His slogan of Jai Jawan, Jai Kisan became very popular during this war. और इस वॉर के दौरान उनका दिया गया एक स्लोगन जय जवान जय किसान बहुत पॉपुलर हुआ एंड इट इज़ पॉपुलर इवन टूडे और ये स्लोगन आज भी पॉपुलर है द वॉर फॉर्मली एंडेड विद द ताशकंद एग्रीमेंट ऑफ 10th January 1966 ये वॉर फॉर्मली ताशकंद समझौते के साथ एंड हुआ जो 10th January 1966 को हुआ था शास्त्री डाइट द फॉलोइंग डे इन ताशकंद ऑफ अ हार्ट अटैक और शास्त्री जी की डेथ नेक्स्ट डे ही इस ताशकंद समझौते से नेक्स्ट डे ही हार्ट अटैक से हो गई द प्रेजेंट एसे इज इन फैक्ट द अप्रेस्ड वर्जन ऑफ द स्पीच दैट शास्त्री जी डिलीवर्ड एट द कॉन्वोकेशन ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ये एसे जो आज हम रीड कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यंग मैन शास्त्री जी के द्वारा दिए गए एक स्पीच से लिया गया एक एब्रिज्ड वर्सन है और ये स्पीच उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में दी थी इन दिस स्पीच शास्त्री जी एम्फिसाइजेज द रोल दैट द इंडियन यूथ हैज़ टू प्ले इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन इस स्पीच में शास्त्री जी ने राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र के प्रोग्रेस के लिए इंडियन यूथ के द्वारा दिए जाने वाले भूमिका को एम्फिसाइज करते हुए बोला है In this lesson, Shastriji says that whatever your station in future life, you should first of all think of yourself as citizens of this country. तुम्हारी future life का कोई भी station रहे कोई भी मंजिल हो लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपनी country के बारे में as a citizen सोचना चाहिए This confers you on your certain rights. और इससे तुम्हें तुम्हारे सर्टेन राइट्स भी मिल जाते हैं विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ये वो राइट्स वो अधिकार हैं जो कि संविधान के द्वारा दिए जाते हैं बट इट ऑल्सो सब्जेक्ट्स यू टू सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकिन साथ ही साथ संविधान से आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती हैं विच ऑल्सो हैव टू बी क्लियरली अंडरस्टूड जिसे समझना बहुत ज़रूरी है आर्स इज़ अ डेमोक्रेसी ही सेज़ हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है विच एन्जॉयज फ्रीडम टू द इंडिविजुअल जो कि प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीडम प्रदान करती है बट दिस फ्रीडम हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ वॉलेंट्री रेस्ट्रेंट इन देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी लेकिन ये जो फ्रीडम है जो संविधान के द्वारा दी गई है इस फ्रीडम पर कुछ ऐच्छिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं जो कि समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ज़रूरी है एंड दिस वॉलेंट्री रेस्ट्रेंट्स और ये जो ऐच्छिक प्रतिबंध हैं हैव टू बी एक्सरसाइज्ड एंड डेमोंस्ट्रेटेड इन एवरीडे लाइफ इनको डेली लाइफ में डेमोंस्ट्रेट किया जाना चाहिए और इनका प्रयोग होना चाहिए डेली लाइफ में अ गुड सिटीजन इज़ वन हु ओबेज द लॉज वेदर देर इज़ अ पुलिसमैन अराउंड और नॉट अच्छा सिटीजन वह है जो हर समय लॉज का नियमों का कानूनों का पालन करता है चाहे उसके आसपास कोई पुलिसमैन है या नहीं है एंड हु टेक्स डिलाइट इन परफॉर्मिंग हिज सिविक ड्यूटीज़ एक अच्छा सिटीज़न वो है जो अपने नागरिकों वाले कर्तव्यों को परफॉर्म करते हुए डिलाइट फील करता है खुशी फील करता है इन द ओल्डन डेज सेंस ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन वॉज इनकल्केटेड बाय द कम्बाइंड एफर्ट्स ऑफ फैमिली एंड द टीचर पुराने दिनों में आत्म नियंत्रण और अनुशासन की जो भावना थी वह फैमिली और टीचर्स के एक कंबाइंड एफर्ट के द्वारा इनकलकेट की जाती थी प्रदान की जाती थी द इकोनॉमिक स्ट्रेस ऑफ प्रेजेंट डे लाइफ
अनफॉर्चुनेटली डू नॉट लीव इनफ टाइम टू द पेरेंट्स टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. लेकिन आज के समय में विद्यमान इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से दुर्भाग्यवश ही बहुत सारे पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है. इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द नंबर्स हैव ग्रोन सो लार्ज एज टू टेक अवे द बेनिफिट्स विच यूज टू एक्रू फॉर्मरली बाय पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टीचर एंड द टॉट. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, शैक्षणिक संस्थानों में भी, जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो इतनी ज़्यादा ग्रोन हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं उठा सकते हैं विच यूज़ टू एक्रू. और ये वो बेनिफिट्स हैं जो पहले के समय पर, फॉर्मरली टाइम पर, एक टीचर और एक टॉट यानी कि एक स्टूडेंट के बीच में विद्यमान पर्सनल कॉन्टेक्ट के द्वारा संग्रहित कर लिए जाते थे. एक्रू यानी संग्रहित करना. इनएविटेबली आर यंग स्टूडेंट्स आर ऑफन लेफ्ट मच टू देयर ओन रिसोर्सेज. और परिणाम ये है कि हमारे जो यंग एज स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने ही संसाधनों तक सीमित छोड़ दिया गया है. ऑफन दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम विच वी ऑल नो अबाउट. जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट विच नीड थ्रो एग्जामिनेशन एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर यंग सिटीजन इज़ ग्रेट. और यही एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको बहुत ही डीपली एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर यंग सिटीजन इज़ ग्रेट. और हमारे जो युवा नागरिक हैं उनका दायित्व भी काफ़ी महान है. इन माई व्यू एवरी स्टेशन इन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट्सेल्फ. मेरे विचार में लाइफ का हर पहलू इम्पॉर्टेंट है. वर्क हैज़ इट्स ओन डिग्निटी. काम की अपनी महानता होती है. एंड देर इज़ ग्रेट सेटिस्फेक्शन इन डूइंग वंस ओन जॉब टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी. और जब एक व्यक्ति अपना काम अपनी पूरी समर्थता के साथ करता है तो उसे काफ़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन भी मिलती है. वट एवर द ड्यूटीज़ वी शुड अप्लाई आर सेल्फ विद सिंसियरिटी एंड डिवोशन. हमारा चाहे कोई भी काम है, कोई भी कर्तव्य है, हमें अपने सभी कार्य कर्तव्य पूरी सिंसियरिटी और डिवोशन यानी कि समर्पण के साथ करने चाहिए. सच एन अप्रोच अपार्ट फ्रॉम बीइंग गुड इन इट्सेल्फ आल्सो हैज़ द एडिड एडवांटेज ऑफ ओपनिंग अवेन्यूज फॉर फर्दर एडवांसमेंट. और इस तरह से यदि काम कर दिया जाता है तो फ्रॉम बीइंग गुड इन इट्सेल्फ अपने आप में काम के अच्छा होने के अलावा ये हमारी फर्दर एडवांसमेंट के लिए भी बहुत सारे अवेन्यूज को, बहुत सारे रास्तों को ओपन करने का एक एडवांटेज रखता है. वी हैव टू सी वेदर वी हैव डन आवर जॉब वेल बिफोर थिंकिंग और क्रिटिसाइजिंग एनीबडी एल्स. जब भी हम किसी और को क्रिटिसाइज़ करते हैं या करने की सोचते हैं तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हमने अपना कार्य अच्छे से किया है. ऑल टू ऑफन वी सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ डिक्राइंग अदर्स विदाउट बोदरिंग टू लुक टू आर सेल्फ. लेकिन हम में से मोस्टली प्राय क्या करते हैं, सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ डिक्राइंग अदर्स, दूसरों को अपमानित करने के लिए टेम्प्टेड हो जाते हैं बिना अपने बारे में सोचे. नेवर फॉरगेट दैट लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज. और लाल बहादुर शास्त्री का मानना है कि कभी भी दूसरी लॉयल्टीज से पहले कंट्री के प्रति लॉयल्टी को नहीं भूलना चाहिए. एंड दिस इज़ एन एब्सोल्यूट लॉयल्टी. और एक कंट्री के प्रति जो वफादारी है वही एक पूर्ण लॉयल्टी है, कंप्लीट लॉयल्टी है. सिंस व्हेन कैन नॉट वे इट इन द टर्म्स ऑफ व्हाट वन रिसीव्स. और कोई भी इसे इस तरह से नहीं माप सकता कि इसके बदले में हमें क्या प्राप्त होगा. इट इज़ एसेंशियल टू रिमेंबर दैट द एंटायर कंट्री इज़ वन एंड दैट एनीवन हु फोस्टर्स और प्रमोट्स सेपरेटिज्म और फिसिपेरियस टेंडेंसीज इज़ नॉट आवर ट्रू फ्रेंड. ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारा पूरा देश एक ही है और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सेपरेटिज्म को, अलगाववाद को प्रमोट करता है या अपनाता है या फिर अलगाववाद जैसी फिसिपेरियस टेंडेंसीज को अडोप्ट करता है वह हमारा ट्रू फ्रेंड नहीं है. बट आई हैव सैड stems from a desire to see that the youth of our country prepares itself in disciplined and determined manner for the responsibility of tomorrow. But I have said stems, जो भी मैंने कहा है वो एक ऐसे desire से उत्पन्न हुआ है. जो desire किस चीज़ की है, वो to see that the youth of our country prepare itself, कि वो देखना चाहता था, उसकी एक desire थी कि उसकी country
कि जो यूथ है वो अपने आप को प्रिपेयर करे एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए और एक डिटरमाइंड मैनर के लिए, ताकि वो कल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार हो सके. अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज सस्टेन्ड नॉट बाय द ग्रेटनेस ऑफ अ फ्यू बट बाय द कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ द मैनी. एक लोकतांत्रिक कंट्री कभी कायम नहीं हो सकती सिर्फ कुछ लोगों की महानता से, बल्कि कि एक लोकतंत्र कब कायम हो सकता है, जब बहुत सारे लोग मिलकर सहयोगात्मक एफर्ट करें. द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज इन योर हैंड्स एंड एज द ओल्डर जनरेशन कंप्लीट देयर टास्क द न्यू वंस कम अलोंग टू टेक देयर प्लेस. फ्यूचर ऑफ आर कंट्री इज इन योर हैंड्स. शास्त्री जी अब यूथ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि किसी भी देश का जो फ्यूचर है वो उनके हाथों में है, दैट मीन्स यंग जनरेशन के हाथों में है. एंड एज द ओल्डर जनरेशन कंप्लीट देयर टास्क, और जैसे जैसे पुरानी पीढ़ी अपने कामों को पूरा करती है, द न्यू वन कम अलोंग टू टेक देयर प्लेस, नई पीढ़ी उनका स्थान लेने के लिए आ जाती है. इफ़ दे आर वेल इक्विप्ड एज इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स, और अगर ये नई जनरेशन सिटीजन्स के रूप में, इंडिविजुअल्स के रूप में, यानी कि नागरिकों के रूप में और व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से इक्विप्ड है, साधन संपन्न है, द कंट्रीज़ फ्यूचर विल बी ब्राइट इंडीड. तो वास्तव में कंट्री का फ्यूचर ब्राइट होगा. एट अ टाइम व्हेन यू आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ न्यू पीरियड इन योर लाइफ, आई वुड अर्ज यू टू प्ले योर रोल विद कॉन्फिडेंस. और जिस टाइम पर आप अपनी लाइफ के एक नए मोड़ पर होंगे, तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ उसके लिए कि आप अपने लाइफ की जो भी आपके कार्य हैं उनकी भूमिकाओं को पूरे कॉन्फिडेंस से निभाएं. आर पोजिशन विथ रिगार्ड टू सेकुलरिज्म इज नोन सो वेल दैट इट इज़ हार्डली नीड एनी रिटेशन, यानी रिपीटिशन. और धर्म निरपेक्षता के रूप में हमारी जो स्थिति है, हमारे देश की जो स्थिति है, वो इतनी ज़्यादा फेमस है कि उसे किसी रिपीटिशन या किसी दोहराव या किसी रिटेशन की आवश्यकता नहीं है. इट इज़ एम्बॉडीड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड एंड फेथ विच दे प्रोफेस. और यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही निहित है, जो इंश्योर करता है प्रत्येक धर्म के लिए समान रिस्पेक्ट को एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी नागरिकों को समान अवसर भी प्रदान करता है, और वह ये अवसर प्रदान करते हुए, प्रत्येक धर्म को रिस्पेक्ट प्रदान करते हुए ध्यान नहीं रखता कि किसी व्यक्ति की कास्ट क्या है, उसका क्रीड यानी कि धर्म क्या है, और वो किस धर्म में विश्वास रखता है. इन स्पाइट ऑफ सीमिंग डाइवर्सिटी देर इज़ अ फंडामेंटल यूनिटी इन इंडिया विच वी ऑल चेरिश एंड इट हैज़ टू बी आर कंस्टेंट एंडेवर टू मेंटेन एंड स्ट्रेंथन दिस यूनिटी. इन स्पाइट ऑफ सीमिंग डाइवर्सिटी, बहुत सारी विविधताओं के बावजूद भी हमारे देश के अंदर एक एकता है, विच वी ऑल चेरिश, जिससे हम सभी प्रफुल्लित हैं. एंड इट कैन बी आर कंस्टेंट एंडेवर, और ये हमारा एक लगातार प्रयास रहना चाहिए कि हम इस यूनिटी को मेंटेन करते रहें, इस यूनिटी को स्ट्रेंथन करते रहें और ज़्यादा विकसित करते रहें. द कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली इफ़ इट डज अवे कम्प्लीटली विद डिस्टर्बेंसेस एंड एमर्जेस एज एन इंटीग्रेटेड होल. एक कंट्री तभी प्रोग्रेस कर सकती है पूरी तरह से, यदि वह कम्प्लीटली अलगाववाद जैसी टेंडेंसीज से दूर रहे और एक रूप के अंदर एक पूर्ण कंट्री के रूप में उभरे. एंड इट इज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट द सीड ऑफ सेकुलरिज्म हैज़ टू बी शॉन एट द अर्लीस्ट स्टेज सो दैट द प्लांट कैन बी केयरफुली नर्चर्ड एज इट ग्रोज. और ये एजुकेशन के फील्ड से ही संभव है कि जो सेकुलरिज्म है, धर्म निरपेक्ष है, उसके बीजों को अर्लीस्ट स्टेज पर ही बच्चों के मन में बोया जा सके. और यही जो बीज हैं, इससे एजुकेशनल फील्ड में ही इसको सीड करके बोया जा सकता है, ताकि जो प्लांट है वो पूरी तरह से विकसित हो सके और पोषित हो सके. दैट मीन्स लाल बहादुर शास्त्री एडवोकेट करते हैं यहाँ पर यूनिटी को और सेकुलरिज्म को. एंड दिस लेसन इज़ द एब्रिज्ड वर्जन ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय लाल बहादुर शास्त्री ऑन 19 दिसंबर 1964 एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी.